एंड्रॉइड के वर्जन्स तो बहुत सारे, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कौन सा वर्जन वर्स्ट है और कौन सा बेस्ट है? चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिस वर्जन के बारे में बात करने वाला हूं वो है वन ऑफ द वर्स्ट वर्जन एंड्रॉइड का, क्योंकि जब ये वर्जन आया था इसकी अनाउंसमेंट बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जब ये लोगों को मिला तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप की। देखा जाए तो लॉलीपॉप जैसे गूगल ने तो उसे दिखाया था, लेकिन वो लॉलीपॉप देखा जाए तो जब लोगों को मिला तो उसका स्वाद कुछ और था। कहने का मतलब है कि 5.0 के अंदर मेजर चेंजेस थे, मटेरियल डिजाइन को लाए थे और भी ढेर सारे फीचर थे। 64-bit ऐप का सपोर्ट था, एंड्रॉइड रन टाइम को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि एंड्रॉइड को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बदल दिया था उन्होंने। लेकिन जब जब एंड्रॉइड में कोई भी बड़ा मेजर अपग्रेड आता है ना, तब तब उसके अंदर भयानक बग्स होते और दिक्कतें होती है, और एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप के साथ यही चीज थी। मैंने इसको यूज किया था मोटोरोला G2 के अंदर और मेरे को पता है कि जब उसके अंदर अपडेट आया था मैं भी एक्साइटेड था, लेकिन उसके बाद बग्स ने इसका सारा जो मूड होता है वो यहां खराब कर दिया। लेकिन इसके बाद बात है कि एंड्रॉइड 6.0 निकाला गया था इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एंड्रॉइड 6.0 के अंदर कुछ फीचर्स को ऐड किया गया था जैसे कि ग्रैनुलर ऐप परमिशन, डोज मोड, बैटरी वगैरह इंप्रूव करने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर उसके अंदर कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं थे। वो सिर्फ बनाया गया था एंड्रॉइड 5.0 के बग्स को सॉल्व करने के लिए और वहां पे उन्हें स्टेबल वर्जन यहां पर देने के लिए। ये कहानी थी यहां पे एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप की। लेकिन वही बात करें इसके बाद जो अगला वर्स्ट एंड्रॉइड जो मैं रख सकता हूं ना इस लिस्ट में वो हो सकता है एंड्रॉइड 12। पता है क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड 12 की कहानी एंड्रॉइड 5 जैसी थी। एंड्रॉइड 5 में मटेरियल डिजाइन आया था, तो एंड्रॉइड 12 के अंदर ये मटेरियल यू को लेकर आए थे और भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे थे। सर हमेशा देखा है जब भी गूगल मेजर चेंजेस यहां पर लेकर आता अपने एंड्रॉइड वर्जन में, वहां पे बग्स वगैरह तो आ जाते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एंड्रॉइड के अंदर ही ऐसा होता है, एप्पल के आईफोन के iOS 7 जब आया था ना तब भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी, और एंड्रॉइड 12 के साथ भी यही सिमिलर केस था। हालांकि जो प्राइवेसी डॉट्स होते हैं, बाकी सारे फीचर्स होते हैं, प्राइवेसी की चीजें बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, मटेरियल यू को इंट्रोड्यूस करके अच्छा काम किया था, लेकिन स्टेबिलिटी वाली चीज यहां पर थी। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एंड्रॉइड 11 से जब अपने फोन को एंड्रॉइड 12 पर लेकर आए होंगे ना, उसके अंदर काफी बग्स और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 के बग्स की लिस्ट काफी बड़ी और हर फोन के साथ वेरी करते, और एंड्रॉइड 12 में इन जनरल काफी ज्यादा दिक्कतें थी। लेकिन फिर वही गूगल और बाकी कंपनीज की बात अच्छी लगी, एंड्रॉइड 12 के बाद एंड्रॉइड 13 आया तो उसके अंदर भी हमें कोई मेजर चेंजेस देखने को मिले नहीं ज्यादा खास, लेकिन उसके अंदर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली, जो खास तौर पर जो दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, वो यहाँ पे सॉल्व हुई। तो कुल मिला के गूगल के साथ तो बात हमेशा ये हो जाती है कि एक बार अगर वो एक अच्छा वर्जन एंड्रॉइड का लॉन्च करते हैं ना बड़े मेजर चेंजेस के साथ, उसके अंदर दिक्कतें आती है और उसके बाद उसको वर्जन को स्टेबल बनाने के लिए वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। खैर ये एक कहानी यहाँ पर चल रही है, लेकिन बात की जाए तो कुछ बेहतरीन एंड्रॉइड वर्जन के नाम भी मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ जो काफी अच्छे थे और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आए थे, जिसमें से एक है आपका एंड्रॉइड 10, जिसके अंदर आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड, स्मार्ट रिप्लाई फॉर चैट, फोकस मोड, लाइव कैप्शन, इस टाइप की चीजें देखने को मिली थी। इसके साथ ही एंड्रॉइड के अंदर जो जेस्चर आया था वो सब भी देखने को मिला था, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मेन लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिला था, जिसके अंदर एंड्रॉइड के कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे प्ले स्टोर के थ्रू भी अपडेट किए जा सकते थे। इसके साथ ही एंड्रॉइड 10 पहला ऐसा एंड्रॉइड वर्जन था जिसे फोल्डेबल को ध्यान में रख के बनाया गया था, यस, और वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड वर्जन इसे कह सकते, क्योंकि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और ऑलराउंडर इंप्रूवमेंट्स के साथ ये चीज आई थी। और ऐसी मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ एंड्रॉइड 8 ओरियो की। ओरियो के बारे में बात की जाए तो वो काफी अच्छा एंड्रॉइड वर्जन था, खास तौर पर उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट ट्रैवल का सपोर्ट देखने को मिला था, जिस कारण से जो एंथुजियास्ट वो अपने फोन के अंदर जेनरिक सिस्टम इमेजेस को फ्लैश कर सकते हैं, कस्टम रॉम डेवलपर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। इसके साथ ही आपको सीमलेस अपडेट का जो फीचर होता है वो भी आया था, फोन के अंदर जब भी कोई अपडेट आएगा तो बैकग्राउंड में अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा, उसका सिर्फ एक रीबूट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि रीबूट करने में पूरा फोन आपका इंस्टॉल हो रहा है, पैकेज अनपैकिंग हो रही है, वो सब चीजें नहीं थी। सीमलेस अपडेट एक काफी अच्छा फीचर था, और तो और ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि एंड्रॉइड 8 ओरियो के साथ यहाँ पे उन्होंने गो एडिशन को भी लॉन्च किया था, और गो एडिशन की फायदा यहाँ पे क्या है कि वो OS 2GB रैम में चल सकता है। ये काम गूगल ने अच्छा किया था, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा जाए तो हर कोई महंगा फोन नहीं ले सकता, और जो सस्ते फोन में उनमें आपको पता है कितना घटिया हार्डवेयर दिया जाता है, तो गूगल ने कोशिश करी थी कि क्यों ना हम एक ऐसा OS बनाए जिसके अंदर एंड्रॉइड ही हो, कुछ फालतू चीजें उससे हटा दे, फीचर्स कम कर लो, उसे लाइट वेट कर दे ताकि 2GB रैम में भी चल जाए, ताकि जो कंपनी यहां पे अपने बेकार फोन बेच रही है सस्ते के अंदर, अगर लोग उन्हें खरीद भी रहे तो कम से कम उन्हें ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिले। हालांकि गो एडिशन वाले फोन हमने चलाए हैं, मोर और लेस फीचर्स कम देखने को मिलते हैं और 2GB रैम पे ठीक ठाक ही यहां पे चलता है, लेकिन कम से कम उसकी जो शुरुआत थी वो एंड्रॉइड 8 ओरियो के साथ ही हुई थी इधर। लेकिन इसके बाद अगर मैं कुछ पुराने एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बात करूं, जैसे कि एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच काफी अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर जो हॉलो UI होता है वो आपको देखने को मिला था, और काफी पुराना, जिन लोगों ने
आपने यूज किया होगा ना, उसका यूआई काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगता था, जैसे बाद में गूगल ने यहाँ पे चेंज कर दिया। और एक और खास बात ये थी एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच की, कि वो टैबलेट और मोबाइल फोन को दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया था, यानी कि उस ओएस को यहाँ पे आप मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों के अंदर चला सकते हैं। लेकिन एंड्रॉइड 4.0 से पहले उन्होंने एक और एंड्रॉइड का वर्जन निकाला था जो जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, वो है एंड्रॉइड 3.0 हनीकॉम्ब। और खास बात ये थी कि उसको बनाया गया था टैबलेट्स के लिए, क्योंकि उस जमाने में आईपैड बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, तो गूगल ने सोचा कि हम एक एंड्रॉइड के अंदर दो वर्जन बनाएंगे, एक बनाएंगे मोबाइल फोन के लिए, एक बनाएंगे टैबलेट के लिए। लेकिन उन्हें पता चला कि एक साथ दो नाव में पैर रखना पॉसिबल तो है नहीं, और उनका ये जो प्रोजेक्ट था वो भी यहाँ पे फ्लॉप हुआ था एक तरह से। लेकिन हाँ, वो उस एंड्रॉइड वर्जन को बहुत ही कम आया था, कुछ टैबलेट्स वगैरह आते थे उस जमाने के, उनके अंदर ये चीज देखने को मिलती थी, और ये देखा तो बात तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा पुरानी हो जाती है। यस, इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन भी आया था, जिसके अंदर आपको देखा जाए तो प्रोजेक्ट बटर नाम से फीचर लाए थे, जिससे कम से कम उसके अंदर यूआई के अंदर थोड़ी बहुत स्मूथनेस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। तो ये कुछ अच्छी चीजें थी यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 9 पाई भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर देखा तो आपको डिजिटल वेलबींग के फीचर्स थे, मशीन लर्निंग के इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला था, बैटरी सेविंग वाले फीचर्स थे। खास तौर पर एंड्रॉइड 9 पाई की खास बात ये थी कि वहां पे आपको प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलते थे। और इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन के भी बारे बात कर सकता हूँ, जिसके बारे में लोग जानते नहीं, वो है एंड्रॉइड 1.5 कप्पे, जिसने इन सारी चीजों को देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरू किया था। तो देखा जाए तो एंड्रॉइड की कहानी बदलती गई है, शुरुआती दिनों में इसको अल्फा स्टेज के अंदर भी कहा जाता था, अभी के समय में एंड्रॉइड 14 में आपको देखने को मिलता है। और हर एंड्रॉइड वर्जन के अंदर हमने देखा है कि कुछ चीजें इधर से आते उधर से आते, नए फीचर्स ऐड होते हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाती, बस बात है कई बार आपको एक खराब एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। जैसे की बात करें एंड्रॉइड 12 का एक्सपीरियंस खराब था, लेकिन एंड्रॉइड 13 ने इस चीज को फिक्स किया, और एंड्रॉइड 14 भी यहाँ पे आने वाले, जिसके अंदर कुछ और एडिशनल फीचर्स और चीजों को देखने को मिलेगी चीजें। लेकिन कभी आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, अब एंड्रॉइड के अंदर उतने बड़े इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे जितने आज से तकरीबन 5-6 साल पहले हुआ करते थे। तब एंड्रॉइड के नए वर्जन के साथ काफी सारी चीजें नई एडअप करी जाती थी, जिससे एंड्रॉइड को चलाने का मजा काफी ज्यादा अच्छा हो जाता था, नए फीचर्स आते थे। लेकिन अभी के समय में जो डेवलपमेंट साइकिल है थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि काफी सारे फीचर ऑलरेडी बन चुके हैं और ऑलरेडी लोग उसका यूज कर रहे हैं। और कंपनीज के बारे में भी एक बात मैं जानता हूं, उनकी एक फिलॉसफी रहती है इंग्लिश में, वो मैं आपको बताता हूं, इफ समथिंग डजंट ब्रेक देन डोंट फिक्स इट। कहने का मतलब कोई चीज में अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना तो उसे चलने दो, और उसी के पीछे कंपनी आज के समय में चल रही है। और वर्जन यहाँ पे अपने ओएस के यहाँ पे बदलती जाती है, फीचर्स जो नए आते हैं वो कम हो जाते हैं, और बस जो माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं वही आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि अब बात यही है कि नए एंड्रॉइड वर्जन जो आएंगे ना, उसके अंदर जो नए फीचर्स की क्वांटिटी होगी ना, वो पहले से कम भी हो रही है, और इतने ज्यादा यूजफुल फीचर्स अब लग भी नहीं रहे। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि कोई ऐसा फीचर जो मोबाइल फोन से अभी मिसिंग है और उसे होना चाहिए मोबाइल फोन के अंदर, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। और भी बताना मत भूलना कि आप लोगों के लिए बेस्ट और वर्स्ट एंड्रॉइड का वर्जन यहां पे कौन सा है। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, मैं आप सब लोग नेक्स्ट वन के अंदर, गुड बाय।